अगर आप जॉन सीना के फैन हो तो आपके मन में भी ये बात तो आया ही होगा कि क्यों जॉन सीना कुछ सालों से जब भी WWE में सिंगल्स मैच रिसल करते हैं हमेशा हारते ही है। तो कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर वन, जॉन सीना एक पार्ट टाइमर सुपरस्टार है जो कि साल में एक मैच के लिए WWE में आते हैं। WWE एक फुल टाइमर सुपरस्टार को जिताना चाहेगी जो कि कंपनी में रहेगा और इसे वो सुपरस्टार को भी हाइप मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएगा। इसी पॉइंट से जुड़ा है हमारा पॉइंट नंबर टू, WWE को उस सुपरस्टार से फायदा होगा जो कंपनी में लंबे टाइम तक रहेगा और WWE उसी पार्टिकुलर रेस्लर को आगे पुश करेगी। बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट नंबर थ्री पर, WWE में हर सुपरस्टार को पासिंग द टॉर्च ट्रेडिशन को फॉलो करना होता है। पासिंग द टॉर्च मतलब किसी नए सुपरस्टार को लाइमलाइट देना जो एक टाइम पर उनको मिला था। जब जॉन सीना करियर के स्टार्टिंग पर थे उन्हें भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के अगेंस्ट विक्ट्री मिला था, अब उनका टाइम है कंपनी को किसी डिजर्विंग सुपरस्टार के हाथ में छोड़ना। तो यही कुछ रीजन है कि क्यों सीना हमेशा हारते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।